रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये देखेंगे कि विजुअल बेसिक के अंदर हम लोग डेटाबेस एप्लीकेशन के अंदर से कैसे डाटा हम ला सकते हैं, ठीक है, और उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अब डेटाबेस अभी के लिए हम लोगों ने फॉर एग्जांपल जो बनाई थी एमएस एक्सेस के अंदर, वो सैम्पल डेटाबेस थे, ठीक है। और अब उसी सैम्पल डेटाबेस के अंदर से डाटा हम लोग कैसे लेके आएंगे, डाटा किस तरह से हम लोग विजुअल बेसिक के अंदर लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं डाटा कंट्रोल का। डाटा कंट्रोल ऐसा पावरफुल टूल है जो कि विजुअल बेसिक के अंदर यूज़ होता है टू कनेक्ट यूज़र इंटरफेस विद द डेटाबेस, यानी कि यूज़र इंटरफेस को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, यानी कि विजुअल बेसिक के फॉर्म को डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हम लोग डाटा कंट्रोल का यूज़ करेंगे। अब जैसे ही आप लोग टूल बॉक्स के अंदर से डाटा कंट्रोल को आप लोग ऐड करेंगे अपने फॉर्म के अंदर, तो इस तरह का आपके पास इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, डाटा कंट्रोल का। यहाँ पे सेंटर में जो है आप लोगों के पास लिखा गया होगा जो भी डाटाबेस का नेम होगा, ठीक है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट डाटा वन लिखा होगा। राइट साइड पे नेक्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करने का बटन है, और वेरी जो राइट साइड पे बटन दिया गया है जिसके ऊपर एक बार भी लगी हुई है, ठीक है, वो लास्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है। और लेफ्ट साइड पे देखा जाए इसके बरक्स तो प्रीवियस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए बटन है हमारे पास, और जो वेरी लेफ्ट साइड पे जो आपके पास बटन है वो फर्स्ट रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कनेक्ट, कनेक्ट हमें बताता है कि हमने किस टाइप की डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, आया कि हमने एक्सेस के साथ करना है, डी बेस के साथ करना है, या फिर एसक्यूएल सर्वर के साथ करना है, जिस तरह के भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है हमने वहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है, इनमें से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद डेटाबेस का नाम, डेटाबेस नेम में हमने क्या करना है, वो लोकेशन दे देने हैं जिस लोकेशन के ऊपर हमने डेटाबेस का डेटाबेस सेव की हुई है, या फिर उस डेटाबेस का नेम दे देना है, स्पेसिफाई कर देना है। रिकॉर्ड सोर्स का क्या मतलब है, उस टेबल का रिकॉर्ड हम लोगों ने स्पेसिफाई कर देना है। डेटा सेट टाइप का क्या मतलब है कि हमने ये स्पेसिफाई करना है कि हम लोगों ने किस टाइप के हम लोगों ने डाटा रिकॉर्ड सेट रखना है, या तो हम लोग डायनामिक सेट रख सकते हैं, या टेबल रख सकते हैं, या फिर स्नैपशॉट रख सकते हैं। डायनामिक सेट का क्या मतलब है कि जब भी हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर डाटा रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करना है, चेंज करना है, डिलीट करना है, तो उससे होगा क्या कि डायनामिकली वो चेंजेस हमें रिफ्लेक्ट होंगी जो भी हम लोगों ने टेबल यूज़ किया होगा। टेबल हम लोग रिकॉर्ड सेट की टाइप रख सकते हैं, तो टेबल का क्या मतलब है कि ये एक सिंगल डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट करते हैं, और जिसके अंदर हम लोग जिस टेबल के अंदर हम लोग इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। स्नैपशॉट का क्या मतलब है कि कॉपी ऑफ सिंगल सेट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है, ये मतलब कि उस रिकॉर्ड की कॉपी होती है जो कि हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरेट यूज़ कर सकते हैं ताकि हम लोग रिपोर्ट्स को जनरेट कर सकें, लेकिन हम लोग इसके अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, यानी कि जो एक दफ़ा लिखा गया है वही हम लोगों को नज़र आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, BOF का क्या मतलब है कि यू कैन प्रेस मूव प्रीवियस बटन और मूव फर्स्ट बटन टू रीच द फर्स्ट रिकॉर्ड, व्हेन यू रीच द फर्स्ट रिकॉर्ड BOF प्रॉपर्टी बिकम ट्रू, ठीक है, और इसके बाद अगर दोबारा आप लोग मूव प्रीवियस बटन को क्लिक करेंगे तो कोई एरर आ जाएगा। उस एरर को BOF एक्शन प्रॉपर्टी को हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं ताकि उस एरर को हम लोग अवॉइड कर सकें, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, BOF हम लोगों ने बात कर लिया ना, कि यानी कि फर्स्ट पे जो हम लोगों के पास एरर आता है, ठीक है, जब हम लोग राइट साइड पर बटन प्रेस करते हैं, सॉरी लेफ्ट साइड का बटन प्रेस करते हैं और फर्स्ट रिकॉर्ड को रीच कर देते हैं, और फर्स्ट रिकॉर्ड को रीच करने के बाद दोबारा से जब हम लोग बटन प्रेस करेंगे वो लेफ्ट साइड पे, यानी कि नेक्स्ट रिकॉर्ड को फर्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर होने के बावजूद हम लोग फर्स्ट दोबारा से वो बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एरर आ जाएगा। उस एरर से बचने के लिए हम लोग BOF एक्शन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से EOF जो सा एक्शन है ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि जैसे ही हम लोग नेक्स्ट बटन प्रेस करते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएंगे या फिर मूव लास्ट करेंगे, ये बटन
बटन प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि हम लोग जब लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर पहुंच जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी ट्रू हो जाएगी, EOF की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा कि दोबारा से अगर नेक्स्ट मूव नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एरर अकर हो जाएगा। एरर अकर होगा तो हम लोग उस एरर से बचने के लिए क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं, EOF एक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर डिफरेंट वैल्यूज स्पेसिफाई कर सकते हैं, यानी कि ज़ीरो कर सकते हैं तो ज़ीरो होगा कि जो पॉइंटर है वो रिमेन उसी लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर रहेगा, यानी कि जो पहले आ गया था, ठीक है। वन करेंगे तो जो पॉइंटर कंट्रोल पॉइंटर है वो लास्ट रिकॉर्ड पे रहेगा और जो आपका मूव नेक्स्ट बटन है वो डिसेबल हो जाएगा, यानी कि ज़ाहिर है आप लास्ट रिकॉर्ड तो रीच हो गया तो आप मूव नेक्स्ट बटन की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, तो वो डिसेबल हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग इसको ट्रू कर दें इस वैल्यू को, ठीक है, यानी कि EOF एक्शन को ट्रू कर दो, ट्रू कर दें, और उसकी मदद से क्या होगा कि आप लोग न्यू एड रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं एट द लास्ट ऑफ, मतलब कि लास्ट पर आप रीच कर गए हैं, जैसे ही नेक्स्ट प्रेस किया तो आप लोग एक नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते इसी डेटाबेस के अंदर, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है रीड ओनली प्रॉपर्टी, ये आपकी बुलियन प्रॉपर्टी है, यानी कि ये ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, इनमें से थर्ड कोई ऑप्शन नहीं है। ट्रू होगी तो ऑब्वियसली चेंजिंग कर सकते हैं आप डेटाबेस में, और अगर इसको ये रीड ओनली का मतलब है कि अगर इसको हम ट्रू करेंगे तो आप लोग अपने डेटाबेस के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते, अगर इसको फॉल्स करेंगे तो डेटाबेस में चेंजिंग एक्सेप्टेबल होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ डाटा कंट्रोल, जो मेथड्स यूज़ कर सकते हैं डाटा कंट्रोल के अंदर वो कौन से हैं, रिफ्रेश का मेथड और अपडेट रिकॉर्ड का मेथड। ऑब्वियसली रिफ्रेश किस लिए होगा, ताकि हम लोग जो भी डाटा आया है हमारे पास डाटा कंट्रोल के ज़रिए उसको रिफ्रेश कर सकें, ठीक है। और अपडेट रिकॉर्ड का किस लिए होगा, ताकि हम लोग जो भी चेंजिंग किए हैं अभी हम लोगों ने डेटाबेस के अंदर, ठीक है, वो उस चेंजिंग को सेव करने के लिए हम लोग अपडेट रिकॉर्ड का बटन यूज़ करेंगे, ठीक है, या मेथड यूज़ करेंगे। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं डेटा बाउंड कंट्रोल की। अब डेटा बाउंड कंट्रोल किस लिए यूज़ होता है, ऑल कंट्रोल डेट वर्क विद डेटा कंट्रोल टू एक्सेस डेटा फ्रॉम द डेटा बेस आर कॉल्ड डेटा बाउंड कंट्रोल। सिंपली ऐसे कंट्रोल जो कि डेटा कंट्रोल के साथ यूज़ होते हैं, ताकि हम लोग एक्सेस करें कर सकें डेटा को डेटा बेस में से एक्सेस कर सकें, उन कंट्रोल्स को हम लोग डेटा बाउंड कंट्रोल करें। और ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग डेटा बाउंड कंट्रोल को डेटा कंट्रोल के साथ अटैच करते हैं उसको हम लोग बिंडिंग कहते हैं। अच्छा, द बाउंड कंट्रोल इज़ एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर फील्ड ऑफ द टेबल इन डेटाबेस, यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड जो भी टेबल के अंदर हम लोगों ने बनाई होगी उसको एसोसिएट करना होगा किसी ऐसे कंट्रोल के साथ जो कि आप लोगों का विजुअल स्टूडियो में विजुअल बेसिक में होता है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर इससे पहले हम लोगों ने जो भी वीडियो के अंदर MS Excel में डेटाबेस क्रिएट की थी, ठीक है, उसमें किया क्या था, हम लोगों ने एक फील्ड बनाई थी नेम की, ठीक है, यानी कि नेम फील्ड को अब एसोसिएट कर देना है हमने किसी टेक्स्ट बॉक्स के साथ जिस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हम वो पर्टिकुलर फील्ड को डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। वो करेंगे कैसे, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इस एग्जांपल का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने इसी वीडियो से पहले अपलोड कर दिया हुआ है, अब अगर आप लोग वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हम लोगों ने इसकी आपस में बिल्डिंग करवानी है, ठीक है। इसके अलावा इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा सा बताया जा रहा है कि डाटा सोर्स एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है, डेटा सोर्स हमें बताता है कि कौन सी डेटाबेस के अंदर से हम लोगों ने डेटा को एक्सेस करना है, और डेटा फील्ड हमें बताता है कि टेबल के अंदर कौन सी ऐसी फील्ड है जिसका रिकॉर्ड हम लोग इस पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर चाहते हैं दिखाना, ठीक है। तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल इससे पहले जो हम लोगों ने डेटाबेस बनाई है विजुअल बेसिक MS Excel में, ठीक है, अब इस MS Excel को डेटाबेस को हम लोगों ने ज्वाइन करना है अपने इसमें विजुअल बेसिक के साथ, तो इस तरह का फॉर्म बना लेंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल 14.2 के अंदर जो फॉर्म बनाया गया है
उस फॉर्म के अंदर जो डेटा बाउंड कंट्रोल हम लोगों ने यूज़ किया है, इसके क्लिक के ऊपर प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाके आपने डेटाबेस में से आपने ये सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, थ्री डॉटेड लाइंस के थ्रू। और उसके बाद आपने करना क्या है कि यहाँ पे जो रिकॉर्ड सोर्स है वहाँ पे आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है टेबल का नाम, जो भी टेबल आप लोग इसके साथ विंड करना चाहते हैं, ज्वाइन मतलब कि इसके साथ आप इसमें ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, विजुअल बेसिक में। उसके बाद आपने करना क्या है, डाटा रिकॉर्ड सोर्स तो हमने ऐड कर दिया, अब इसके बाद हमने क्या करना है, डाटा सोर्स ऐड करना है। डाटा सोर्स क्या ऐड करेंगे हम लोग, इस पे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स के क्लिक के ऊपर आपके पास प्रॉपर्टीज विंडोज जो ओपन होंगी, तो उसके बाद आप लोगों ने डाटा सोर्स आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। डाटा सोर्स में आप लोगों ने डाटा वन कर लेना है सेलेक्ट। क्यों डाटा वन सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम लोगों ने जो डाटा सोर्स ऐड किया था उसका नाम भी डाटा सोर्स डाटा वन ही रखा है, ठीक है। तो यहाँ से डाटा वन सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि डाटा फील्ड सेलेक्ट करनी है, जो कि प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अब डाटा फील्ड ऐड करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ से जब डाटा फील्ड के अंदर जाएंगे प्रॉपर्टी के अंदर, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा। ड्रॉप डाउन मेन्यू में से कोई एक हम लोगों को ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर हम इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर रोल नंबर चाहते हैं दिखाना, तो रोल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। अगर हम लोग नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ से उस टेक्स्ट बॉक्स की सिलेक्शन के ऊपर हम लोगों ने यहाँ से नेम सेलेक्ट कर लेना है। अगर हम लोग टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर मार्क्स डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोगों ने मार्क्स को सिलेक्ट कर लेना है। तो इस तरह से आप लोग जब जैसे ही सिलेक्ट कर दोगे, तो यहाँ पे इन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर जो पॉइंट नंबर 9 के अंदर फॉर्म दिखाया गया है, इस तरह से उन टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी, नज़र आ जाएगी आपको, ठीक है। तो इसको आप नेक्स्ट करके देख सकते हैं कि पहला रिकॉर्ड यानी कि पहले फॉर्म पे होगा, इसको नेक्स्ट करेंगे तो ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस के अंदर से डाटा है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट मूव कर सकते हैं आप लोग।